मेरा नाम निर्मला है। आज से 6-7 साल पहले मुझे गुरुजी की आज्ञा हुई कि आपको कुछ समय रेखा बहन के साथ सेवा में रहना है, तो मैं उनके साथ उनके सत्संग कार्यक्रम में उनके साथ रहने लगी। करीबन 6 महीने में उनके साथ रही। दीदी के साथ ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि सत्संग जब चलता तब हमें गुरु महिमा सुनने को मिलती, और सत्संग के बाद कभी एक आधा दिन की छुट्टी होती या सत्संग कार्यक्रम नहीं होता तो दीदी हमें उस समय भी अलग अलग साधनों में लगाते, सेवा साधनों में लगाते। कभी किसी की सेवा करने के लिए भेज देते, कभी शास्त्र पढ़ने के लिए दे देते थे। तो सतत उनका एक ही क्रम रहता था, ईश्वर ईश्वर और ईश्वर। एक बार दीदी ने मुझसे पूछा था, निमी तू आश्रम में क्यों आई, समर्पित क्यों हुई है? मैंने कहा दीदी पहले तो लक्ष्य नहीं था, मगर रह रह के पता चला है कि मन के ऊपर विजय पाने के लिए हम आए हैं, क्योंकि भटकाने वाला तो मन ही है हमारे ऊपर, हमें जन्म मरण में। दीदी ने कहा फिर तो तू निकल जाएगी, तू निभा लेगी गुरु से। तो काफ़ी उससे मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिली कि हाँ हम सही रास्ते जा रहे हैं। जब हम दीदी के साथ यूँ ही कभी कमरे में बैठे रहते तभी भी दीदी पूछते आज नियम बराबर किया, सुबह कितने बजे संध्या बराबर टाइम से हुई आपकी? फिर कभी दीदी बोलते सूर्य को जल चढ़ा लिया, अगर हम भूल गए होते तो दीदी ध्यान नहीं रहा मैं जा रही हूँ। फिर फटाफट दे के जल हम आते, क्योंकि बहुत सारी सेवाएँ रहती, समिति वाले आते सत्संग कार्यक्रमों में, तो फटाफट जल दे के आते तो दीदी बोलते इतनी जल्दी जल चढ़ा लिया। तो उनकी सूक्ष्मता इतनी ज़्यादा थी, भले वो एक कमरे में बैठे रहते थे अपना काम करते थे, मगर उनको हर चीज़ का भान होता था कि कौन क्या कर रहा है, कितना समय लगा रहा है, किससे बात कर रहा है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें गुरुजी के सिद्धांतों से अवगत कराया अपने जीवन से भी। बात कहने में बहुत छोटी है कि अक्सर बहनें हम 5-6 काम एक साथ ले लेते हैं, तो कभी दूध गर्म करते हैं तो दूध उबल के निकल जाता है, बह जाता है, और हम वो चीज़ें छुपाने के लिए फटाफट साफ कर देते हैं। मगर दीदी की सूक्ष्मता इतनी होती थी कि हमारी सब्जी जल रही है या हमारा दूध बह जाता है उसके ऊपर भी उनका ध्यान होता था, भले वो अपने कमरे में बैठे रहते थे। और उनका बहुत अच्छा नियम था दीदी का, जो मैंने सीखा उनसे, कि सुबह उठते वो 5 बजे उठ ही जाते, भले स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होता या रात को देर से सोते तो वो बाहर नहीं निकल पाते, मगर सुबह 5 बजे तो उनके कमरे से गुरुजी का सत्संग सुनने की आवाज़ तो आ ही जाती थी। सुबह का सत्संग शुरू हो जाता, आधा पौना घंटा हम देखते कि सत्संग चालू है, फिर सत्संग बंद होता, मगर दीदी दिख जाते थे कि वो सोहम साधना में ही लगे रहते थे। 1-1.5 घंटे तो वो लगभग, जहाँ तक मैंने इतने लंबे समय नोट किया था या नोट हो गया, कोशिश तो नहीं करते थे मगर वो सोहम साधना बहुत करते थे। एक बार दीदी के साथ मैं हरिद्वार में थी, तो शाम का समय था, गर्मियों का दिन थे, तो मैंने दीदी से कहा दीदी गन्ने का रस पी लेते हैं। दीदी ने कहा हाँ चलो पी लेते हैं। जैसे ही हम लारी पे गए तो दीदी ने लारी वाले से कहा कि तू ना 3 जग भर दे गन्ने के रस की। मैंने कहा इतना कौन पिएगा, रुक। फिर 3 जग भरवाई और डिस्पोजल लेके दीदी, हम 2-व्हीलर पे थे, गाड़ी लेके दीदी रास्ते पे चलते गए। वहाँ पे बहुत सारे लोग रस्तों पे बैठे रहते हैं, जो भी उनके पास कोई घर परिवार होता नहीं है, साधु संत मतलब पीले कपड़े पहने हुए रहते हैं। तो मगर दीदी का स्वभाव जो होता है दीदी का था कि देना है बस, तो पकड़ पकड़ के एक एक को, जैसे हमारे बापू का भी स्वभाव है कि सबको आवश्यकता अनुसार देना, सबको गन्ने का रस पिलाया उन्होंने। जितने भी लोग मिलते गए और चाहिए तो बोले और तू जग और निकलवा के रस। मैंने और रस निकलवा, से 4-5 जग हमने भर भर के ग्लास में फिर सबको एक एक को पिलाया। तो ये काफ़ी अच्छा सीख मिली थी दीदी से कि किसी को कोई आवश्यकता हो वो हमें खुद समझना चाहिए, ना कि कोई मांगे तो हम उसको दें। ऐसे ही परभणी में जा रहे थे, वहाँ पर भी कुछ दरिद्र नारायण बैठे थे रस्ते पे, दिख रहा था शक्ल से कि बहुत भूखे हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं। तो तभी भी दीदी ने कहा उनसे कि आपको भूख लगी है? तो उन्होंने तो बहुत खुशी से बोला हाँ बहुत भूख लगी है। तो सामने पूरी सब्जी की दुकान थी, तो दीदी ने सब दुकानदार को बोल दिया कि इनको जितना भी चाहिए इनको खिला दो, पैसे हम देंगे।
तो समिति वाले साथ में थे, हम कहीं और जा रहे थे यात्रा पर, तो समिति वाले ने कहा दीदी हम पैसे देंगे, हम दे रहे हैं। बोले नहीं, ये सेवा मैंने ढूंढी है, मैं ही दूंगी। पैसा उनका जिनको भी जिसको भी जो भी आवश्यकता होती थी, दीदी ढूंढते रहते थे मौके कि मैं कहाँ किसको मदद रूप हो पाऊँ। और चलते फिरते भी वो हमसे बोलते थे कि ये शरीर और धन ईश्वर ने देने के लिए दिया है, संभालने के लिए नहीं दिया है। तो वो कभी सोचते नहीं थे किसी भी चीज़ को देने के लिए, फिर वो कुछ भी हो, सलाह हो या पैसा हो, वस्तु हो, खाने पीने की वस्तु हो, बांट कर ही खाते थे वो। कोई भी चीज़ हम आती थी श्रद्धालुओं की ओर से, हमको खिलाते फिर दीदी खाते थे। यात्रा के समय अक्सर हमारे साथ 3 म्यूजिशियंस भाई लोग रहते थे, और गाड़ी कितनी बड़ी करें मगर सामान और 3 भाई, चौथी मैं, ड्राइवर दीदी, ऐसे करके बहुत गाड़ी भर जाती थी। तो पीछे की सीट पे 3 भाई और एक मैं, मुझे बैठना पड़ता था। कभी कभी तो कैशियो भी हमें साथ में लेना पड़ता, तबला भी साथ में लेना पड़ता, तो हम बहुत हौच पौच हो जाता था बीच में हमारे बैठने के लिए। मगर इस हौच पौच पर भी दीदी हमेशा ध्यान रखते थे कि भाई और बहन का स्पर्श ना हो, तो इसलिए वो हमेशा भाई 3 भाई बैठते थे, फिर मैं बैठती थी, और हम के हमारे बीच में एक पर्स या कुछ चीज़ रखवा देते थे, बैग रखवा देते थे, ताकि हमारा स्पर्श ना हो। ऑल ओवर भी कहीं हमें जाना पड़ता है तो हम कभी किसी भाई से बात करते या किसी से भी बात करनी होती थी तो दीदी टाइम भी नोट करते थे कि हम कितने समय किस काम के लिए बात कर रहे थे। और हम खा रहे हैं तो चुपचाप से खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, सब पे ध्यान देते थे। किसी भाई से बात करनी तो हमारे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हम हंस खेल के बात कर रहे हैं, लहरा के बात कर रहे हैं, गंभीरता से बात कर रहे हैं। तो जो गुरुजी को पसंद नहीं था वो भी पसंद नहीं करते थे। और कहीं मेरे साथ आई हुई बच्ची का पतन ना हो जाए, क्योंकि हमें सारा दिन इर्द गिर्द में भाइयों के साथ ही रहना पड़ता था, तो कहीं हमारा अनजाने में पतन ना हो जाए, इसका दीदी पूरा ध्यान रखते थे। ये हमें बहुत हमेशा खलता रहेगा कि एक बड़ी बहन हमारे जीवन से बहुत जल्दी निकल गए। हमें बहुत दीदी मार्गदर्शन भी देते थे और गुरु भक्ति भी बढ़ती थी हमारे उनके सान्निध्य से।